हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में जानते तो सब लोग हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी इस पे होते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है या बहुत कम लोग इस पे ध्यान दे पाते हैं कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या हो सकता है, इसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या हो सकता है, अप्लाइड एस्पेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसको आयुर्वेद में मर्म विज्ञान के नाम से बताया गया है। आचार्य सुश्रुत, जिनको आप लोग फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को, मर्म विज्ञान को, शल्य विषयार्थ बोला है। शल्य विषयार्थ का मतलब यह होता है सर्जरी का आधा विषय, आधा सब्जेक्ट। अगर आपने मर्म विज्ञान को अच्छे से समझ लिया तो आप आधे सर्जन बन गए, और अगर आपने सर्जरी को पूरी तरह से समझ लिया और मर्म विज्ञान के बारे में आपको नहीं पता तब भी आप पूर्णतः सर्जन नहीं बन सकते हैं, फिर भी आप आधे सर्जन ही बन के रह जाएंगे। तो मर्म विज्ञान का ज्ञान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मर्म जो है, मर्म को मार्यंतीति इति मर्माणी बोला गया है। मर्म हमारे शरीर में कुछ ऐसे वाइटल पार्ट्स होते हैं, ऐसे वाइटल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आघात लगने पे लिथल इफेक्ट होता है। थोड़े चोट से ज़्यादा इंजरी होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु के समान पीड़ा हो सकती है, या अस्थायी विकलता जिसको कि परमानेंट डिफॉर्मिटी बोलते हैं हो सकता है। इसलिए मर्म को मार्यंतीति इति मर्माणी बोला गया है, यानी कि वो स्थान जहाँ पे आघात लगने से, चोट लगने से मृत्यु हो जाए, मृत्यु के समान पीड़ा हो या अस्थायी विकलता उत्पन्न हो, उसे मर्म कहा गया है। और सर्जरी में, सर्जरी के जो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत थे, उन्होंने इसको शल्य विषयार्थ बोला है। साथ ही जो वाइटल्स पार्ट्स होते हैं, वो हमारे शरीर में 107 ऐसे पार्ट्स बताए गए हैं या 107 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिनको मर्म नाम दिया गया है। वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अगर थोड़ा भी आघात लगता है तो वहाँ पे लीथल इफेक्ट होता है, व्यक्ति मर सकता है, या बहुत ज़्यादा अति तीव्र पीड़ा हो सकती है, या कुछ समय अंतराल उसकी मृत्यु हो सकती है, और या परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ऐसे 107 पॉइंट हमारे शरीर में बताए गए हैं। ये 107 पॉइंट जो हैं वो गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर 37 बताए गए हैं, ट्रंक में 26 बताए गए हैं, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं हमारे चारों हाथ और पैर, उनमें 11 सब में बताए गए हैं, जिसका मतलब चारों हाथ, दो हाथ और दो पैर मिलाकर के 44। इस तरह से 107 संख्या इनकी बताई गई है। तो ये तो होगी संख्या की बात, इस पर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे मर्म के टॉपिक पे। अभी हम लोग बात करते हैं इसके व्यवहारिक पक्ष की, कि जो मर्म विज्ञान है ये एंशियंट साइंस का हिस्सा रहा है। ये बहुत प्राचीन काल से ही इसके ज्ञाता थे हमारे यहाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इसका बहुत अच्छे तरह से ज्ञान होता था। राजा महाराजाओं, उनके सैनिकों को तो बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी ताकि वो जब युद्ध में जाएं तो मर्म के अकॉर्डिंग जो सैनिक हैं, उनके शत्रु सैनिक हैं, उनके मर्म पॉइंट पर आघात करें। मर्म पॉइंट पर आघात करें तो उनसे लीथल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता था। एक सैनिक पर एक तलवार का वार करने पर ही वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। अगर आप उसके मर्म पॉइंट को नहीं जानते हैं तो आप एक सैनिक पर 10 बार करेंगे लेकिन वो मर नहीं सकता। इसलिए कई बार लिथल इफेक्ट ज़्यादा लाने के लिए, जीत सुनिश्चित करने के लिए, मर्म पॉइंट और मर्म का ज्ञान होना सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए और राजा महाराजाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता था। वैसे ही वैद्यों के लिए मर्म का ज्ञान जरूरी होता था। वैद्यों को रक्षा करनी होती थी पेशेंट की अपनी, तो उनके रक्षा के लिए या सर्जरी करनी होती थी, तो उस सर्जरी में जब तक मर्म का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उस मर्म को हम बचा करके सर्जरी नहीं करेंगे, तब तक हम पेशेंट को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो एक तो ये ज्ञान हुआ। मर्म चिकित्सा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है आपको, महाभारत काल में भी मिलेगा देखने को, और ईसा मसीह काल। तीनों काल के मैं एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा कि तीनों काल में मर्म के ज्ञाता थे और मर्म को जानने वाले लोग थे, और मर्म विज्ञान बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप था उस समय। सबसे पहले मैं रामायण की याद दिलाता हूँ आप लोगों को। कभी आप लोगों ने सोचा है कि विभीषण ने क्यों रावण के नाभि में ही तीर मारने के लिए बोला श्री रामचंद्र जी को? ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध में जितने भी सैनिक, राजा महाराजा जब भी सम्मिलित होते थे तो वो पूरे शरीर पे अपने एक शील्ड का यूज करते थे, रक्षा कवच का यूज करते थे। उनका पूरा का पूरा शरीर मेटल के रक्षा कवच से ढका हुआ रहता था। तो कहीं भी अगर उन पर आघात करेंगे, तीर छोड़ेंगे, बाण मारेंगे, तो वो उन पर असर नहीं होता था उस चीज़ का। तो भगवान श्री रामचंद्र बहुत परेशान हो गए थे रावण का वध करने के लिए। तब उनको विभीषण ने याद दिलाया कि
जो रावण का नाभि है, जो कि एक वाइटल पार्ट्स है, एक मर्म है, और मर्म में भी वो महामर्म है, हृदय बस्ती नाभि सिर, ये महामर्म में गिने जाते हैं। तो वो जो मर्म है केवल वही एक मर्म है जो कि अनप्रोटेक्टेड है, जिस पे कोई शील्ड नहीं है। तो विभीषण ने बोला कि आप रावण के नाभि पे तीर मारिए जिससे कि रावण का वध हो सकता है, क्योंकि वो वाइटल पार्ट्स है, वो एक महामर्म है जिस पे अगर थोड़ा भी आघात लगेगा तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इसलिए रामचंद्र जी ने उसको नाभि पे तीर मारा और उसके बाद रावण का वध हुआ। ये तो रामायण काल की बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग महाभारत काल की। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और भीष्म पितामह अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। अर्जुन भी भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनको प्रेम करते थे। तो युद्ध में अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करना था और ये उनके लिए ज़रूरी था, साथ ही उनके इच्छा मृत्यु का वरदान जो था उसका भी सम्मान करना था, और प्रेम भी बहुत ज़्यादा था अर्जुन और भीष्म में। तो अर्जुन ने बहुत सारे ऐसे तीर ऐसे जगह पर भीष्म को मारे जहाँ पर उनको पेन बहुत कम हो, शरीर के उस हिस्से पे उन्होंने बाण मारे जहाँ पे भीष्म पितामह को बहुत कम पेन की अनुभूति हो और साथ ही उनकी मृत्यु ना हो उन बाणों से, ताकि उनकी इच्छा मृत्यु का सम्मान बचा रहे और वो जब चाहें तब इच्छा मृत्यु को धारण कर सकें। तो उतने सारे बाणों के सैया पे लेटने के बाद भी भीष्म पितामह जिंदा थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इसका बस एक ही कारण था कि उनके जो वाइटल पार्ट्स थे, जो उनके मर्म पॉइंट थे, उनको बचा करके उन पर आघात किया गया था। तीसरी बात आती है ईसा मसीह काल की। तो ईसा मसीह काल में आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने देखा भी है, अभी भी फोटो में और चर्च में आप देखते हैं ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था, तो सूली पे लटकाने का मतलब ये था कि उनको कष्टदायक मृत्यु देना और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो और कष्ट के साथ हो। तो जब सूली पे लटकाया गया तो उनके जो दोनों पाम थे, दोनों पैर के जो तलवे थे, उन पे कील ठोकी गई थी, जो नेलिंग की गई थी उनके चारों पाम पे, दो पाम और दो प्लांटर सरफेस पे नेलिंग की गई थी, कील ठोकी गई थी। आयुर्वेद में जो मर्म पॉइंट होते हैं इनमें इनको तल हृदय बोला गया है, जो दोनों पाम होते हैं और जो जो पैर के फुट के जो प्लांटर सरफेस होते हैं उनको तल हृदय, चार तल हृदय बताए गए हैं शरीर में, और इनको कालांतर प्राणहर मर्म की संज्ञा दी गई है। कालांतर प्राणहर मर्म, वो मर्म जिसपे आघात होने पर तुरंत मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन कालांतर में कुछ समय पश्चात मृत्यु निश्चित होती है और साथ ही बहुत ही भयानक तीव्र पीड़ा होती है। तो इसलिए उनकी जो नेलिंग की गई थी कालांतर प्राणहर मर्म, तल हृदय पे की गई थी, चारों तल हृदय को कील से ठोका गया था ताकि उनकी मृत्यु तो सुनिश्चित हो जाए, साथ ही तीव्र पीड़ा हो और कुछ समय के अंतराल पे, कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो, उनको कष्ट के साथ। तो ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे थे जिससे हमें ये पता चलता है कि मर्म विज्ञान का ज्ञान प्राचीन काल से चला आ रहा है और हर काल हर एरा में इसके ज्ञाता थे, इसके जानने वाले लोग थे। आज भी बहुत सारे मर्म चिकित्सक हमारे पास उपस्थित हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। तो मर्म चिकित्सा ये तो व्यवहारिक ज्ञान था जिसको हमने आज आप लोगों को बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। मर्म चिकित्सा जो कि अप्लाइड एस्पेक्ट है इसका मर्म विज्ञान का, वो अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।